सरायकेला खरसावां जिला के ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में रांची के सांसद सह केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ चुनाव जीतने के बाद पहली बार दौरा कर मतदाताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित कर बधाई दी और आभार जताया। जगह जगह पर सांसद संजय सेठ को कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर गाजे बाजे के साथ उनका भव्य स्वागत किया। वहीं सांसद संजय सेठ ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ईचागढ़ की जनता ने जिस तरह से अपने पक्ष में मतदान कर जीत दिलाने का काम किया है और प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार ने केंद्रीय मंत्री बनाकर जो दायित्व सौंपा है उसे हर संभव निभाने की कोशिश करेंगे। ये रहा कि भारतीय लोकसभा के जिन्होंने जो प्यार स्नेह और जो समर्थन पिछले 5 साल को याद है 2019 का चुनाव, फिर कोरोना आया, कोरोना के बाद का पीरियड, लेकिन हम भी संकल्पित व्यक्ति हम सब कि कोरोना हो या उसके बाद हर महीने में 4 बार 5 बार 6 बार लगातार ईचागढ़ आते रहे। आने वाले 5 सालों में भी जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हम सब के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने हम पर विश्वास जताया और एक जिम्मेदारी दी, उसके बाद भी हम संकल्प लेते हैं कि ईचागढ़ में जितना समय पहले देते थे फिर उतना ही समय देंगे। और हमें कह सकते हैं कि ईचागढ़ के लिए जो कुछ कर पाए, क्योंकि कोरोना का पीरियड था, राज्य सरकार का असहयोग जो रवैया था कि अड़ंगा डाल काम नहीं होने दो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना थी हर घर में नल, उसको फ्लॉप कराने के लिए पूरा दम सरकार ने लगा दिया कि नहीं साहब हर घर में देखो किस कदर अनियमितता बरती के 100-150 फुट में बोरिंग किया भग गया। अब उस सबको हमने को इस बार हम उठाएंगे मांग की पूरी इसकी जांच कराइए, दोषी है उस पर कार्रवाई।